वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव्स मैथ। क्या आप क्लास 9 और 10 का मैथ फुल कोर्स करना चाहते हैं? अगर हाँ तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और फुल कोर्स फ्री में कीजिए। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री क्लास एंड एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो फॉर्मूला यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए वो मैं पहले बता देता हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 माइनस ए, ये होता है कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, 1090 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू 10 ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए, और लास्ट है कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, ए जो है वो 0 से 90 के बीच में लाइन कर रही है। जो ए पार्ट है यहां पे, ए लाइन बिटवीन 0 एंड 90, उससे ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्रॉस करेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 पार्ट्स गिवन है, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब यहां पे एक चीज देखिए, आप नोटिस कीजिए, 18 प्लस 70 जब करेंगे आप तो उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। ठीक है, 70 को सो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 18। ठीक है, इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, एक को कॉन्स्टेंट, एक को फिक्स रखेंगे, एक को चेंज करेंगे। तो मैं साइन 18 को फिक्स रखता हूं। ठीक है, जो कॉस 70 है उसको मैं लिखता हूं कॉस, और 70 क्या होता है 90 माइनस 18, तो 90 माइनस 18। ठीक है, ये हो गया साइन 18। अभी मैंने आपको बताया कॉस 90 माइनस ए जो होता है उधर साइन है, तो यहां पे ए की जगह पे क्या है 18, तो ये क्या हो गया साइन 18। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन है तो साइन 18, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन है साइन ए, वही यूज किया। तो साइन 18 अपॉन साइन 18 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या होगी 1, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 1 होगी। अब आता है सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 1026 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, इनको भी अगर ऐड करेंगे आप 64 प्लस 26 तो ये 90 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 26 डिग्री। तो मैंने बोला है एक को फिक्स, एक को चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक को फिक्स रखना है, एक को चेंज करना है। तो मैंने 1026 को मैं फिक्स रखता हूं, इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एज इट इज लिख दिया। कॉट 64 को मैं लिख रहा हूं कॉट 90 माइनस 26। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1026 अपॉन 1026, क्यों कॉट 90 माइनस ए क्या होता है 10 है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू 10 ए। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, तो 10 ए कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या होगी 1। तो सेकेंड पार्ट के 1026 डिग्री अपॉन कॉट 64 इक्वल टू क्या हो गया 1। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। 48 प्लस 42 ये भी 90 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं 42 को 90 माइनस 48 लिख देता हूं। ठीक है, कॉस 48 को मैं एज इट इज रहने देता हूं माइनस साइन, जहां 42 है वहां पर लिख रहा हूं मैं 90 माइनस 48। ठीक है, और साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए, मैं बता चुका हूं आपको फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आपका कॉस 48 माइनस साइन 90 माइनस ए 48 है, तो कॉस 48, तो कॉस 48 माइनस कॉस 48 क्या हो गया 0। अब आता है फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है कॉसिक 31 डिग्री
माइनस सेक 59 डिग्री. प्रोसेस सेम है, 59 प्लस 31 90, ठीक है. तो मैं 59 इक्वल्स टू 90 माइनस 31, कॉसेक 31 को एज इट इज लिख दो आप, माइनस सेक 59 को मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 31, ठीक है. सेक 90 माइनस ए जो होता है वो होता है कॉसेक ए, ठीक है. तो कॉसेक 31 तो कॉसेक 31 है ही, इसको आप ऐसे रहने दीजिए. तो सेक 90 माइनस ए ये भी होगा कॉसेक 31, तो दोनों माइनस हो गए, क्या हो गया जीरो. आपने देख लिया मैंने कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के सॉल्यूशन करके मैंने उसकी वैल्यू निकाल दी. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 8.3 क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2 है. शो दैट, आपको ये दो गिवन है, आपको शो करना है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री इक्वल टू 1. चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट पार्ट है 1048 इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, इतना ही क्वेश्चन आपको वन प्रूव करना है, 67 डिग्री, ठीक है. इसमें पहले हम पेयर बनाएंगे, पेयर किसको बनाएंगे जिसके दोनों एंगल का सम 90 हो जाए. तो 48 42, 90 23 67 90, दोनों को साथ कर दो आप. तो 1048 इंटू 1042 1023 इंटू 1067, ठीक है. 1048 को आप एज इट इज रहने दो, ठीक है. और इसको लिखते हैं हम लोग 1090 माइनस 48, 90 माइनस 48 42 होता है, वैसे लिख जाएगा. 1023 को आप एज इट इज रहने दो, और 1067 को लिखो आप 1090 माइनस 23, क्योंकि 90 माइनस 23 67 होता है. अब देखिए 1048, 1090 माइनस ए कॉट ए, तो कॉट 48 इंटू 1023 को 1023 रहने दो, 1090 माइनस ए कॉट ए, तो कॉट 23. 1048 डिग्री, cot a क्या होता है 1/10 है, तो क्या हो जाएगा 1/10 48 डिग्री. 1023 को आप ऐसे रहने दो, cot 23, cot a इक्वल्स टू 1/10 है, तो 1/10 23 डिग्री. मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला, cot a इक्वल्स टू होता है 1/10 a, या फिर आप 10 a इक्वल्स टू 1/cot a, दोनों ही करेक्ट. मैंने इसका यूज किया यहां पे, तो 1048 कैंसिल, 1023 कैंसिल, तो क्या हो गया 1, और ये प्रूव करना था आपको आरएचएस, तो प्रूव हो गया ये. अब आते हैं सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट है आपके पास cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू साइन 52, ठीक है. कॉस 38 को एज इट इज रहने देते हैं, कॉस 52 को मैं लिख रहा हूं कॉस 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 करेंगे तो 52 होगा वो, ठीक है. माइनस साइन 38 को मैं ऐसे रहने देता हूं, ठीक है. और साइन 52 को मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस 38, ठीक है. तो कॉस 38 तो कॉस 38 ही रह गया, कॉस 90 ए माइनस ए क्या होता है 7, साइन ए, तो साइन 38 माइनस साइन 38, साइन 90 माइनस ए कॉस ए मीन्स कॉस 38. तो देखिए ये भी है कॉस 30 इंटू साइन 38, ये है साइन 30 इंटू कॉस 38, कैंसिल आउट, तो क्या हो गया जीरो, और ये प्रूव करना था आपको आरएचएस, ठीक हो गया. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 है. इफ टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18, वेन टू ए इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स एंगल जो है वो जीरो से 0 और 90 डिग्री लाई कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एक ही वैल्यू निकालनी है.
10 2a so through cot a minus 18. इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं थोड़ा, मैं इसको लिख रहा हूं 10 90 माइनस ए माइनस 18, क्योंकि 90 माइनस ए क्या होता है कॉट ए, तो कॉट 90 माइनस यहां पे ए हो जाएगा पूरा, तो कॉट ए माइनस 18 चीज सेम ही रहेगी, सिर्फ मैंने इसके रेशियो चेंज कर दिए। अब देखिए दोनों ही 10 है तो मेरे एंगल फिर सेम हो जाएंगे, 2a इक्वल्स टू 90 माइनस ए माइनस 18, तो 2a इक्वल्स टू 90 माइनस ए प्लस 18, इसी को आप इस तरफ ले आओ तो 2a प्लस ए इक्वल्स टू 118, 108, तो 3a इक्वल्स टू 108, a इक्वल्स टू 108 अपॉन 3, 3 3 is 9, 36, तो a की वैल्यू क्या होगी 36 डिग्री। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर 10 a cot b की इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी जो वो 90 डिग्री है। 10 a इक्वल टू cot b गिवन है आपको, तो मैं क्या करता हूं दोनों को 10 मिलाने की कोशिश करता हूं, इसको मैं लिखता हूं 10 90 माइनस बी, क्योंकि 10 90 माइनस बी cot b होता है, तो cot b को लिखा मैंने 10 90 माइनस बी। अब दोनों ही 10 है, इट मींस एंगल भी सेम होंगे फिर, तो a इक्वल टू 90 माइनस बी, बी को आप सब ले जाओ, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना था आपको, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 8.3 क्लास इन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है sec 4a जो है वो cosec a माइनस 20 के बीच में है, और 4a जो है वो एक्यूट एंगल है, आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, ठीक है, sec 4 90 माइनस 4a, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि cosec 90 माइनस ए क्या होता है sec है, तो ये sec ही है, इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। अब देखें दोनों ही cosec हैं, तो एंगल दोनों के सेम होंगे, तो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20, ठीक है, आप 4a को उधर भेज दो 20 को उधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये 5a इक्वल्स टू 110, a इक्वल्स टू 110 अपॉन 5, 22 डिग्री, ए की वैल्यू क्या होगी 22 डिग्री। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचवी क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है एबीसी जो है किसी ट्रायंगल के इंटीग्रल एंगल है, ठीक है, आपको प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी अपॉन बी, बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू, अगर एबीसी किसी ट्रायंगल के एंगल है तो उनका सम 180 होगा। मैं क्या करता हूं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा ये a by 2 plus b by 2 plus c by 2 equals to 180 upon 2, 90 degree। तो यहां पे देखिए b plus c by 2 को मैं एक तरफ रखता हूं और ये a by 2 उसको मैं उधर भेज दे रहा हूं, तो 90 minus a by 2, ठीक है, हमें sin b plus c by 2 को प्रूफ करना है cos a by 2, तो b plus c by 2, तो b plus c by 2 equals to क्या है sin 90 minus a by 2, यहां पे देख लीजिए आप, और साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए, तो ये क्या हो गया कॉस ए बाई टू, तो प्रूफ हो गया साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू, हेंस प्रूफ। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 8.3 क्लास इन क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो आपको गिवन है साइन 60 प्लस कॉस 75, आपको इसको इसको ऐसे लिखना है कि ये जो एंगल्स हैं ये 0 से 45 के बीच में ही लाई करें, तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको क्या करेंगे हम साइन रहने देंगे, तो लिखेंगे 90 माइनस 23 डिग्री, 90 माइनस 23 में कॉस साइन 67 ही होता है, और कॉस 75 को लिखेंगे 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए क्या हो गया कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस ए साइन है तो साइन 15 डिग्री। अब देखिए ये एंगल जो है
जीरो से 40 में लाई कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो पढ़ने पर जरूर पूछिए, रिप्लाई। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।